दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। नागपुर सहित पूरे विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से नदियों, तालाबों, डैमों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नागपुर कांभाजरी तालाब शहर में मध्यम स्थित है। बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो चुका है। नागपुर कांभाजरी तालाब अगस्त के महीने में ओवरफ्लो होता है, लेकिन इस वर्ष जून और जुलाई में अच्छे बारिश ने नागपुर के इस तालाब को अभी से ही ओवरफ्लो कर दिया है। इस तालाब के ओवरफ्लो को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई युवा जान जोखिम में डालकर पानी के बहाव वाले क्षेत्र में पैदल चल रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी गलती इन्हें 12 फीट गहरे पानी में गिरा सकती है, जिसकी वजह से सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने नागपुर सहित पूरे विदर्भ में आगामी 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन तमाम इलाकों में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गोसीखुर्द डैम के आधे मीटर से 15 गेट खोले गए हैं। गढ़चिरौली और गोंदिया में भी बारिश लगातार हो रही है। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।